Hello children, today we will revise chapter 12 healthy habits. Okay, so health is very important. आपको पता है ना हमारी body में सबसे जरूरी क्या है, हमारे लिए सबसे जरूरी सबसे important क्या है, हमारा health है ना। ये health जो है ये very important है हमारे लिए, ठीक, क्योंकि अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं, ये आप जान लीजिए। क्योंकि हमारे लिए अभी जैसे सर्दी का मौसम है तो हमें अपनी बॉडी को सर्दी से बचाना ताकि हमें ठंड ना लगे, हमारी तबीयत ना खराब हो, हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम एक अच्छा फल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, गुड हेल्थ कीप्स अ पर्सन एक्टिव। इसका मतलब क्या है, हेल्थ हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम अगर हेल्दी रहेंगे तो अगर हम एक्टिव रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तभी हम एक्टिव भी बन सकते हैं, नहीं तो हम एक्टिव नहीं रहेंगे। To keep healthy, we must have good habits. और हमें हेल्दी रहने के लिए क्या है, हमें बहुत सारे गुड हैबिट्स को भी फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम हेल्दी रहें, हमारी बॉडी कैसी रहे, हेल्दी रहे, ठीक है। तो हम लोग कुछ हेल्दी हैबिट्स पढ़ेंगे आज, जिसमें जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसमें से पहला क्या है, ईटिंग हेल्दी फूड। पहला क्या है, ईटिंग हेल्दी फूड। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे, ठीक है, तो हमारी बॉडी कैसे रहेगी, हेल्दी रहेगी। अगर हम हेल्दी फूड नहीं खाते हैं तो हम कैसे हो जाएंगे, हम वीक हो जाएंगे और हमें क्या होगा, वीक हो जाएंगे, हमें तबीयत खराब हो जाएगी, फिर हमें डॉक्टर से मेडिसिन वगैरह लेना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को हमेशा कैसा फूड लेना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए। जैसे इस समय ठंडी का टाइम है तो हमें ऐसी चीज खानी चाहिए जिससे हमारा बॉडी हमेशा गर्म रहे और हमें सर्दी ना लगे, ठीक है। फिर उसके बाद है रेगुलर हैबिट्स ऑफ क्लीनलीनेस। सेकेंड पॉइंट क्या है, रेगुलर हैबिट्स ऑफ क्लीनलीनेस। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, रेगुलर हैबिट्स ऑफ क्लीनलीनेस। अब क्लीनलीनेस का मतलब क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे पहला क्या, डेली ब्रश करना, डेली नहाना, बालों को साफ रखना, नाखूनों को साफ रखना, ठीक है, दांतों को साफ रखना, इस तरीके से जो ये सारे पॉइंट्स जो हमारी बॉडी को क्लीन रखते हैं, ठीक है, प्रॉपर नहाना, ठीक है, समय से उठना, ये सारी चीजें आती हैं रेगुलर हैबिट्स ऑफ क्लीनलीनेस में। हाँ, एक प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए अपनी बॉडी से। जैसे हमें एक टाइम पे नहाना चाहिए, एक टाइम पर सोना चाहिए, एक टाइम पर खाना चाहिए। ये नहीं कि आज इस समय हम घर पर बैठे तो दिन भर कुछ ना कुछ खा रहे हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर टाइमिंग शेड्यूल होना चाहिए और अपनी बॉडी से हमेशा साफ सफाई रखना चाहिए, उसको क्लीन रखना चाहिए, है ना। रेगुलर एक्सरसाइज, थर्ड पॉइंट है रेगुलर एक्सरसाइज। आराम देना चाहिए, हाथों को आराम देना चाहिए, पैरों को आराम देना चाहिए, मतलब कंप्लीट
हमारा रेस्ट जाता है, ठीक है। और हमें समय पे इतना 8 घंटा 7 घंटा सोना भी चाहिए, ये नहीं कि हम सारा दिन वर्क करते हैं, इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। तो हमें प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप भी जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो बेटा ये सारे जो पॉइंट्स मैंने लिखा है, ये पॉइंट्स क्या है, ये पॉइंट्स है वी कैन कीप आवरसेल्फ हेल्दी। ये सारे पॉइंट्स अगर हम फॉलो करेंगे बेटा तो ही हम हेल्दी रह सकते हैं। ये अगर हमको हेल्दी रहना है तो हम ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करें, तभी हम हेल्दी रह सकते हैं, नहीं तो हम हेल्दी नहीं रहेंगे, हमारी बॉडी में ताकत नहीं रहेगी और हम बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है बेटा। सो इसके बाद हेल्दी ईटिंग एंड फूड, अब देखिए मैंने जो चारों पॉइंट्स बताए हैं, अब इसके नीचे नीचे सब पॉइंट्स भी दिए, ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। हम लोगों को कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए, हेल्दी फूड कैसे देना चाहिए, है ना, इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग ये जान लीजिए कि आपको स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है, एक्सरसाइज लेना है, क्लीनलीनेस लेना है, है ना। क्लीनलीनेस कैसे, बाकी नहा के टाइम पर सो करके कितना रेस्ट चाहिए कितना नहीं चाहिए, तो इस तरीके से आपको बहुत जरूरी है प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर फूड। ये नहीं कि आप रोड साइड फूड खा रहे हो इस समय, तो आप बेटा सिर्फ घर का बना हुआ खाना खाइए, जो आपकी मदर ने बनाया है उसी को खाइए। जंक फूड, स्ट्रीट फूड्स बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। इस समय COVID-19 का भी पीरियड है बेटा, आप लोग बाहर की कोई भी फूड ना लीजिए, आप लोग घर में अपनी मम्मी से खाइए, मम्मी से बनवाइए और हेल्दी फूड्स लीजिए, ठीक है। प्रॉपर मिल्क लीजिए, मिल्क आपके लिए बहुत जरूरी है। मिल्क लेने से क्या होता है, आपको पूरी फुल मिल्क इज अ कम्प्लीट फूड, मिल्क जो है वो पूरा कम्प्लीट फूड में आता है, इसलिए आप मिल्क लीजिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड लीजिए, ताकि आपके बॉडी में सारे जो बैलेंस डाइट जो होते हैं जिसमें प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सारे एक प्रॉपर रेशियो में लीजिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर हेल्दी रहे और स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में